डाइड डैस एग्जॉसन थर्ड में लिखा अ नाइन ईयर्स ओल्ड चाइल्ड डाइड डैस रेबिट बैट बाइट्स इन द हॉस्पिटल सो हर स्टेटमेंट में आप ये देख पा रहे होंगे कि डाई नाम का वर्ड दे रखा है लेकिन डाई नाम के बाद जो आने वाला प्रेपोजिशन है सभी सेंटेंसेस में भिन्न होगा भिन्न होने का कारण यह है कि डाई होने के बहुत सारे काजेस होते हैं और उन कॉजे के अकॉर्डिंग हमें प्रेपोजिशन फिल करना होता है जैसे पहले वाली स्टेटमेंट में दिया है द प्रेशर किसी तरीके का भी प्रेशर हो चाहे वो मेंटल प्रेशर हो वर्क प्रेशर हो अगर व्यक्ति इस चीज इस तरीके की चीज़ों से मरता है तो डाई अपने साथ प्रेपोजिशन कौन सा लेगा दोस्तों फ्रॉम लेगा डाई फ्रॉम मेंटल प्रेशर डाई फ्रॉम एग्जासन जब आप थकाहट से मरते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खाने से मरते हैं जब आप बहुत ज़्यादा न ओवरिटिंग से मर जाए हंगर से मर जाएँ तो उस कॉन्टेक्स में प्रेपोजिशन डाई अपने साथ हमेशा ही फ्रॉम लेगा ओके नाइन ईयर ओल्ड चाइल्ड डाइट ऑफ रैबिट्स जब हम किसी बीमारी से मरते हैं तो प्रपोजिशन ऑफ को फॉलो करा जाता है अगर आप किसी मदरलैंड के के लिए मर रहे हो या आप किसी लव के लिए मर रहे हो या किसी नेशन के लिए मर रहे हो नेशन के ग्लोरी के लिए मर रहे हो तो उस कॉन्टेक्स में फॉर लगता है ओके okay? जैसे नीचे वाले स्टेटमेंट में दिया है सम ऑफ अर्स डाइट एस ओवर यानी डाइ फ्रॉम ओवर रीटिंग आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल बिहाइंड दिस नेक्स्ट अगर आप अपनी कार्यविधि के दौरान ही मर जाते हैं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु उस टाइम पे हो जाए जिस टाइम पे वो ड्यूटी कर रहा हो तो उस कॉन्टेक्स में डाई इन हारने ही डीएम होता है ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग है पाउल वॉकर वॉज किल्ड रोड एक्सीडेंट किल्ड इन एन रोड रोड एक्सीडेंट होता है ओके? Okay? अपने साथ साथ तीन लेता है, है है, है तो तो ये ये व्यक्ति ना इसके पहले अपन को क्या लगाना पड़ेगा? With लगाना पड़ेगा, पड़ेगा। और ये है, तो on this issue हो जाएगा, के तब लगता है जब किसी समथिंग के बारे में बात कर रहे okay? हो आप ओके नाइन है गो डैश माई बुक्स एक वर्ड होता है गो थ्रू गो थ्रू का अर्थ होता है स्टूडेंट्स किसी चीज से होकर गुजरना ओके okay? तो यहाँ पे हम गो के साथ क्या लगाएंगे थ्रू लगाएंगे नेक्स्ट एक वर्ड होता है सी थ्रू क्या होता है सी थ्रू सी थ्रू का अर्थ होता है किसी ट्रिक्स को समझ जाना तो यहाँ पे सा के साथ क्या आएगा थ्रू आएगा द ट्रेन पास डैश द टनल अगर कोई भी चीज इस तरीके की सिलेंड्रिकल बॉडी से होके गुजर रही है तो उसके लिए हमें क्या लगाना है थ्रू लगाना है नेक्स्ट तो इसलिए इस स्टेटमेंट में हमें क्या भरना है पास थ्रू द टनल नेक्स्ट है ट्वेल्व डू नॉट कंपेयर बॉयज डैश गर्ल्स दे आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट फिजिकली एंड इमोशनली जब कंपेयर के साथ दो प्रपोजिशन आते हैं किसके साथ कंपेयर के साथ कंपेयर टू भी आता है और कंपेयर ना विथ भी आता है कंपेयर विथ तब लगाएंगे जब तुलना दो समान चीजों के बीच में हो रहा हो और टू तब लगाएंगे जब तुलना दो असमान चीजों के बीच हो रहा और तो different है ना तो इसलिए को टू फील करना है Next. Thirteen है हमें नेक्स्ट कंपेयर द ऑफ दिस ग्रामर बुक डैश दोज ऑफ दैट वन मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रामर की बुक है यहाँ पे एक ग्रामर की बुक है और इन दोनों ग्रामर की बुक का कॉन्टेंट्स का तुलना एक दूसरे से हो रहा है तो तुलना तो दो समान चीजों के बीच हुआ ना तो इसलिए प्रपोजिशन ना विथ का यूज करेंगे नेक्स्ट लाइफ इज कम्पेयर डैश अ जर्नी अब जीवन का तुलना एक जर्नी से हो तो डिफरेंट चीज हुआ तो क्या भरेंगे टू भरेंगे नेक्स्ट डू ओनली वन वर्क एट अ टाइम एक समय पर एक काम करो एक फ्रेज है नेक्स्ट द एग्जाम स्टार्टेड डैश टाइम पर द लाइट वेंट वेंट ऑफ डैश एट द नीक ऑफ टाइम दिस हैपेंड डैश टाइम्स But I managed to solve all the questions dash the allotted hours. Okay, let's crack this question. The exam हमेशा अपने समय पर start होता है और समय पर के लिए on time होता है और समय से पहले के लिए in time होता है But the light went off. ये एक phrase है जिसका मत इसके पहले preposition हेड का use करेंगे at the nick of time. ठीक उसी समय पर जब exam शुरू हुआ तो उसी समय पर light चली गई This happened. टाइम्स कभी कभी होता रहता है बट आई मैनेज टू सॉल्व ऑल द विद इन द अलॉटेड मतलब दिए गए घंटों के अंदर ही मैंने अपने एग्जाम सारे questions को attempt कर डाले नेक्स्ट जब कभी भी आप कैश के बारे में बात करते हैं तो उसके पहले प्रपोजिशन इन भरना है आई विल पे इन कैश नॉट बाई चेक ओके और चेक के द्वारा हमें क्या लगाना होता है बाई लगाना होता है अगर नेट बैंकिंग के बात के बारे में बात करें तो थ्रू लगाते हैं थ्रू नेट बैंकिंग ओके okay? नेक्स्ट एटीन आई डू हैव अ टेस्ट डैस म्यूजिक बट एम नॉट अ म्यूजिशियन सो आई डो नॉट हैव अ ग्रेट टेस्ट डैस म्यूजिक टेस्ट अपने साथ दो प्रपोजिशन लेता है टेस्ट इन भी लेता है और टेस्ट फॉर भी लेता है टेस्ट फॉर का अर्थ होता है लाइकिंग होना क्या होना लाइकिंग लाइक like करना उसको आई डू हैव अ टेस्ट फॉर म्यूजिक बट एम नॉट अ म्यूजिशियन सो आई डो नॉट हैव अ ग्रेट टेस्ट इन म्यूजिक टेस्ट इन मतलब होता है स्किल होना और टेस्ट फॉर मतलब क्या होना लाइकिंग होना आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस दैटर वेरी वेल सो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग मोर प्रपोजिशंस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर